हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैंने कुछ दिन पहले केक बनाया हुआ था बेटे के बर्थडे में, तो मैंने वो वीडियो रखा हुआ था, तो आज आप लोगों के साथ मैं इसको शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं हो पाया था। और मैं इसको बनाऊँगी कढ़ाई में, और यह है 1 कटोरी सूजी और आधा कटोरी चीनी को मैं पीस लूँगी मिक्सी में। और बिल्कुल सरल और सिंपल तरीके से बना रही हूँ, जो भी सामान मेरे पास घर में है उसी सामान से मैं बना रही हूँ। इसमें अंडा और रिफाइंड और मैदा भी मैंने यूज नहीं किया है, और मैं इसको कुकर में भी नहीं बनाऊँगी और ओवन मेरे पास नहीं है। मैं इसको बनाऊँगी कढ़ाई में क्योंकि हर किसी के पास हर सामान नहीं हो पाता है, बहुत से लोगों के पास, मेरे पास भी नहीं है। मैं क्या कहूँ, मेरे पास भी नहीं है। मैं इसलिए इसको आज इसी तरीके से कढ़ाई में बनाकर दिखा रही हूँ क्योंकि किसी ने बोला था कि अगर कुकर नहीं है तो हम कैसे बनाएं, तो इसलिए जैसा मुझे आता है मैं उसी तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ ये। और इसको मैंने जो दूध उबाला हुआ था बाहर से ही था, उसी दूध को मैं इसमें डालूँगी। और एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है तो थोड़ा सा वीडियो गड़बड़ हो रही है, उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा देर बेटे को बुलाया था कि यहाँ पे आ जाओ, नहीं तो ये अच्छे से नहीं हो बिल्कुल। इसको बहुत अच्छी तरीके से फेंटना है इस तरीके से, और फिर इसको थोड़ा देर ढक के रख दें, 10-15 मिनट आप इसको ढक दें। और मेरे पास था काजू बादाम किशमिश, मैंने वही इसमें डाला हुआ है। और एक पाउच मेरे पास इनो पाउडर है, मेरे पास सोडा वोडा नहीं था रखा हुआ। और सूजी जब ढक के रखे थे उसके बाद सूजी फूल गई थी, तो मैंने थोड़ा सा दूध और डाला इसमें। और इसमें जब बिल्कुल केक के लिए रेडी हो जाता है उसके बाद ही इसमें इनो पाउडर डालें, इसको डालकर ऐसे रखें नहीं, जब पूरा ही तैयार हो जाता है उसके बाद। और यहाँ पर मेरे पास 3-4 इलायची थी छोटी वाली, तो उसको ही मैं डाल रही हूँ। और ये मैंने थोड़ा सा सूखा आटा में ऐसे मिक्स किया हुआ है, इसलिए किया है, अगर मैं ऐसे ही डाल दूँगी तो ये नीचे चिपक जाएगा सब, तो ऐसे करने में पूरे केक में मिक्स रहेगा ये जो भी मैं इसमें ड्राई फ्रूट डालूँगी। और मेरे पास केक का बर्तन भी था, लेकिन मेरे पास जो ये सामान बनाया था मैंने पेस्ट केक का, वो ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैं इस टिफ़न में डाल रही हूँ इसको, क्योंकि बार बार दो बार के लिए मेरे लिए बवाला होता। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाया है क्योंकि इससे चिपकेगा नहीं, और फिर मैंने उसमें आटा डाल दिया था। अब जो भी मैंने केक का रेडी किया है उसको मैं इसमें डाल कर रख लूँगी। इसको इस तरीके से आप थोड़ा इसमें करें तो इससे जितना भी कहीं पे खाली जगह होगी तो वो भी भर जाएगी। और मैंने कढ़ाई रखी थी चूल्हे पे, गैस पे सिम में रखा हुआ था, अगर ज़्यादा फुल रखती तो गर्म हो जाता। और पे मेरे पास यह है स्टैंड, इसको मैं उल्टा करके रखूँगी, अगर सीधे रखूँगी तो टेढ़ा हो जा रहा था, फिर भी मुझसे कुछ हो गया था यहाँ पे। ये मैंने रख लिया है इस तरीके से, बिल्कुल आराम आराम से करें क्योंकि जल्दीबाजी करेंगे तो हाथ भी जल जाएगा। अगर गाँव में कोई बनाते हैं तो लकड़ी में तो गैस सॉरी लकड़ी कम करें, नहीं तो जल जाएगा। और ये बन गया है, मैंने जो बीच में था मैंने नहीं दिखाया, और यहाँ पे साइड में ये इसलिए हुआ है, जब मैं एक बार देखने आई थी तो टेढ़ा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया तो ये एक साइड से गिर गया है। और ये केक बन के रेडी हो गया है। इसमें आधा घंटा लगा था जब मैंने रखा, दो बार मैंने किया था। अब इसके बाद मैंने ठंडा होने दिया था इसको, और मैं अब इसको निकालूँगी ऐसे। यहाँ पर मैंने फ़ोन बेटे के हाथ में दिया हुआ है, और मेरे पास था ये रखा हुआ एक 2 चॉकलेट और एक 5 रुपये वाला बिस्कुट का डब्बा है, ये मैं इससे बनाऊंगी पेस्ट दूध में घोलकर इसके ऊपर से बनाने के लिए। देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आधा गिलास दूध डाला है, और इसमें मैंने जो भी बिस्कुट और चॉकलेट है मैंने दोनों इसी में डाल दिया है। ये जब हमारे पास ये चॉकलेट पाउडर नहीं होता है तो इस तरीके से अगर हम बनाएंगे तो ये अच्छा भी दिखाई देता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। इसमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं मिक्स किया है, इसको कोई भी खा सकता है। और हम लोगों को इस समय बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, तो मैंने इस बार ऐसे ही काम चलाने के लिए बेटे को बोला कि घर में ही बनाऊंगी ताकि हम सभी लोग खा सकें। और ये बन गया है केक, और बहुत अच्छा हुआ था मैंने पहले दिन बना के रख लिया था क्योंकि दूसरे दिन मुझे टाइम नहीं हुआ था। और फिर ऊपर से मैंने इसमें काजू बादाम रख लिए हैं ऐसे, क्योंकि किशमिश थे नहीं। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट के द्वारा बताएं, और एक बार ट्राई ज़रूर करें इस तरीके से, क्योंकि हर कुछ सामान होने के बाद तो हम सब कुछ कर सकते हैं, सामान नहीं होने के बाद अगर हम कुछ करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। जो भी हमारे पास सामान होता उसी से अगर हम कोई चीज़ तैयार करें उसमें बहुत अच्छा लगता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपना साथ सहयोग मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें। और आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ।